साइबर्स टीमें 100% वैक्सीनेशन के बाद अब 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की प्लानिंग शुरू कर दी है। जिला स्वास्थ्य विभाग की माने तो जिले भर के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को 15 से 18 साल तक के बच्चों का डाटा मुहैया कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर MPC की माने तो भारत सरकार द्वारा मंजूरी के बाद 1 जनवरी से बच्चों की वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा और 3 जनवरी से सभी स्कूलों के सिलेवार तरीके से कैंप लगाकर बच्चों में टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। सर, भारत सरकार ने बच्चों में अब वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है, क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? सर बिल्कुल, बहुत ही उत्साह है लोगों में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंस किया है कि 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी, तो इससे जो अभी तक पेरेंट्स काफ़ी परेशान थे कि भी कब बच्चों का टीकाकरण होगा, तो 3 जनवरी का डे फिक्स कर दिया गया है। और गुरुग्राम जिले में भी हम पहले से थोड़ी तैयारी कर रहे थे, हमने अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों से लिस्ट मांगी है कि टोटल आपके पास कितने ऐसे बच्चे हैं जो 15 से 18 आयु के हैं, जिससे कि हम तैयारी कर सकें। और इनफैक्ट कल सिविल सर्जन सर ने एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग भी बुलाई है जिसमें DC साहब की अध्यक्षता में हम करेंगे, तो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बुलाया है, अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के भी इंचार्जेस को बुलाया है, तो उनसे हम एक डेटा लेंगे कि हमारे जिले में 15 से 18 साल तक के कितने बच्चे हैं जिनका टीकाकरण करना है। कब तक ये टारगेट पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है सर? हमारी तो कोशिश होगी कि जैसे डेटा हमारे पास आ जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनुमानित जो बेनिफिशरीज होंगे अपने जिले में 15 से 18 साल के लगभग 3.5-4 लाख होंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि वैक्सीन हमारे पास अभी पर्याप्त हैं, सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में है, तो जल्द से जल्द जो है हम बच्चों को वैक्सीनेट एटलीस्ट फर्स्ट डोज हम सभी को लगाएं, यही कोशिश होगी। स्कूलों में ये कैंप लगाए जाएंगे सर? बिल्कुल, सरकार के द्वारा अभी निर्देश हमें मिलेंगे, VC होगी, लेकिन ऑफकोर्स जैसे पीछे भी हमने अपने 18 प्लस लोगों का टीकाकरण स्कूलों में भी किया था, सेंटर्स बनाए थे अपने गवर्नमेंट, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं या अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे भी है, तो दोनों जगहों पे टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है सर। गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।